एक ऐसी पुस्तक जिसके पढ़ने मात्र से ही नशा त्यागने में असमर्थ व्यक्ति का नशा अपने आप छूट जाएगा। यह पुस्तक पढ़ने से आपके जीवन के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। सब कहते हैं सबका मालिक एक है, वह सबका मालिक कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, यह जानने के लिए पढ़िए यह पुस्तक जीने की राह। आइए आपको जीने की राह पुस्तक की भूमिका से रूबरू करवाते हैं। जीने की राह पुस्तक घर घर में रखने योग्य है। इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहोगे, पापों से बचोगे तथा घर की कलह समाप्त हो जाएगी। बहू बेटे अपने माता पिता की विशेष सेवा किया करेंगे, घर में परमात्मा का निवास होगा, भूत प्रेत पितर भैरव बेताल जैसी आत्माएं उस परिवार के आसपास नहीं आएंगी। देवता उस भक्त परिवार की सुरक्षा करते हैं, अकाल मृत्यु उस भक्त की नहीं होगी। जो इस पुस्तक को पढ़कर और दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करेगा, इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बस जाएंगे। जिस परिवार में यह पुस्तक रहेगी और जो इसको पढ़ेंगे, जिस कारण से नशा अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रमाण हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। शराब तंबाकू तथा अन्य नशे के प्रति ऐसी घृणा हो जाएगी कि इनका नाम लेने से रूह कांप जाया करेगी। पूरा परिवार सुख का जीवन जिएगा, जीवन का सफर आसानी से तय होगा। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है तथा उसकी भक्ति कैसी है, इन सब की जानकारी मिलेगी। भूमिका जीने की राह पुस्तक घर घर में रखने योग्य है। इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहोगे, पापों से बचोगे, घर की कलह समाप्त हो जाएगी, बहू बेटे अपने माता पिता की विशेष सेवा किया करेंगे, घर में परमात्मा का निवास होगा, भूत प्रेत पितर भैरव बैताल जैसी बुरी आत्माएं उस परिवार के आसपास नहीं आएंगी, देवता उस भक्त परिवार की सुरक्षा करते हैं, अकाल मृत्यु उस भक्त की नहीं होगी जो इस पुस्तक को पढ़कर दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करेगा। इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बस जाएंगे। जिस परिवार में यह पुस्तक रहेगी, इसको पढ़ेंगे, जिस कारण से नशा अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रमाण हैं जो आत्मा को छू जाते हैं, शराब तंबाकू तथा अन्य नशे के प्रति ऐसी घृणा हो जाएगी कि इनका नाम लेने से रूह कांप जाया करेगी, पूरा परिवार सुख का जीवन जिएगा, जीवन का सफर आसानी से तय होगा, क्योंकि जीवन का मार्ग साफ हो जाता है। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी भक्ति कैसी है, सब जानकारी मिलेगी। मानव जीवन सफल हो जाएगा, परिवार में किसी प्रकार की बुराई नहीं रहेगी, परमात्मा की कृपा सदा बनी रहेगी, जीने की राह उत्तम मिलने से यात्रा आसान हो जाएगी। जो इस पुस्तक को घर में नहीं रखेगा, वह जीवन की राह उत्तम न मिलने से संसार रूपी वन में भटककर अनमोल जीवन नष्ट करेगा, परमात्मा के घर में जाकर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। उस समय आपको पता चलेगा कि जीने की राह उत्तम न मिलने से जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर आप परमात्मा से विनय करेंगे कि हे प्रभु, एक मानव जीवन और बख्श दो, मैं सच्चे मन से सत्य भक्ति करूंगा, जीवन की सच्ची राह की खोज करने सत्संग में जाया करूंगा, आजीवन भक्ति करूंगा, अपना कल्याण करवाऊंगा। उस परमात्मा के दरबार में आपके पूर्व के जन्मों की फिल्म चलाई जाएगी, जिनमें आप प्रत्येक बार जब जब मानव जीवन प्राप्त हुआ था, आपने यही कहा था कि एक मानव जीवन और दे दो, कभी बुराई नहीं करूंगा, आजीवन भक्ति भी करूंगा, घर का कार्य निर्वाह के लिए भी करूंगा, पूर्ण सदगुरु से दीक्षा लेकर कल्याण करवाऊंगा, जो गलती अब के मानव जीवन में हुई है कभी नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। फिर परमात्मा जी कहते हैं कि अपने आप को तो मूर्ख बनाकर जीवन नष्ट करके आ खड़ा हुआ पापों की गाड़ी भरकर मुझे भी मूर्ख बनाना चाहता है, चल नरक में। फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में चक्र लगा, जब कभी भी मानव स्त्री पुरुष शरीर मिले, सावधान होकर संतों का सत्संग सुनना और अपना कल्याण कराना। पाठक जनों से निवेदन है
कि इस पवित्र पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक तथा परलोक में सुखी रहेगी। इसको परमात्मा का आदेश मानकर पूरा परिवार पढ़े, एक पढ़े अन्य सुने, या एक से अधिक पुस्तक लेकर भिन्न भिन्न प्रतिदिन पढ़े। इसमें लिखे प्रत्येक प्रकरण को सत्य माने, मजाक में न ले। यह किसी सांगी की बनाई नहीं है, यह परमेश्वर के गुलाम रामपाल दास द्वारा हृदय से मानव कल्याण के उद्देश्य से लिखी गई है। लाभ उठाएं। सत साहिब, लेखक दासन दास रामपाल दास, पुत्र अथवा शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। दो शब्द। प्राणी की जीवन की यात्रा जन्म से प्रारंभ हो जाती है, उसकी मंजिल निर्धारित होती है। यहाँ इस पवित्र पुस्तक में मानव जीवन की यात्रा के मार्ग पर विस्तार पूर्वक वर्णन है। मानव यानी स्त्री पुरुष की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। उसके मार्ग में पाप तथा पुण्य कर्मों के गड्ढे तथा कांटे हैं। आप जी को आश्चर्य होगा कि पाप कर्म तो बाधक होते हैं, पुण्य तो सुखदायी होते हैं। इनको गड्ढे कहना उचित नहीं। इसका संक्षिप्त वर्णन। पाप रूपी गड्ढे व कांटे। मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पाप कर्म का कष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए, पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाना, पशु धन में तथा फसल में हानि हो जाना, ऋण की वृद्धि करता है। ऋणी व्यक्ति दिन रात चिंतित रहता है, वह भक्ति नहीं कर पाता। पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भक्त के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। तब भक्त अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है, परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। परंतु भक्त को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को काम पूर्ति के लिए स्वप्न में भी नहीं चाहती, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो। उसका पति अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, विशेष प्रेम करता है। इसी प्रकार दीक्षा लेने के पश्चात आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। गुरुजी आत्मा का विवाह परमात्मा से करवा देता है। यदि वह मानव शरीरधारी आत्मा अपने पति परमेश्वर के प्रति पतिव्रता की तरह समर्पित रहती है, यानी पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता से मनोकामना की पूर्ति नहीं चाहती है, तो उसका पति परमेश्वर उसके जीवन मार्ग में बाधक सब पाप कर्मों के कांटों को बुहार देता है। उस आत्मा की जीने की राह सुगम व बाधा रहित हो जाती है, उसको मंजिल सरलता से मिल जाती है। उस आत्मा के लिए परमात्मा क्या करता है? उसको संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। गरीबदास जी कहते हैं, पतिव्रता जमी पर ज्यों ज्यों धरी है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि साधक के लक्षण कहूं, रहे ज्यो पतिव्रता नारी, तह कबीर परमात्मा को लगे आत्मा प्यारी। पतिव्रता के भक्ति पथ को आप साफ करें करतार, आन उपासना त्याग दे सो पतिव्रता पार। भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जो भक्ति की राह में रोड़े बनते हैं उनके लिए कबीर जी ने कहा है, जब ही सत्य नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। इसलिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर प्रत्येक स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा को भक्ति अवश्य करनी चाहिए। पुण्य भी भक्ति की राह में बाधक है। पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण घर में धन होता है, सर्व सुविधाएं होती हैं। किसी को राजपद प्राप्त होता है जो भक्ति में बाधक होता है। वह सुख उसको परमात्मा से कोसों दूर यानी कई किलोमीटर दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जीने की राह में रोड़ा है, परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। कबीर जी कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। एक धनी व राज पद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनाने की कोशिश करके देखें, उसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। दूसरी ओर
पाप कर्मों की मार झेल रहे व्यक्ति को परमात्मा चर्चा सुनाएं, उसे बताएं कि परमात्मा सर्व कष्ट दूर कर देता है, आप परमात्मा की भक्ति किया करो। देखो, अपने गांव का अमूक व्यक्ति उस संत से दीक्षा लेकर सुखी हो गया, वह भी आपकी तरह कष्ट में था, तो वह दुखी व्यक्ति भक्ति पर लग जाता है, उसके लिए वह दुख वरदान बन गया। जो सुखी है उसको कैसे समझाएं? उसके पास तो पुण्यों की मलाई पर्याप्त है। वह धनी व्यक्ति अपने पुण्यों को खा खर्च कर खाली होकर तथा पापों की मालगाड़ी भरकर मृत्यु उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटकाकर भयभीत होकर जाएगा, कुत्ते गधे सुअर के जन्म पाएगा। इसके विपरीत दुखी निर्धन व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करके, दान धर्म करके वर्तमान जीवन में भी सुखी हो जाएगा। पाप कर्मों से बचकर पुण्यों की मालगाड़ी भरकर भक्ति धन का धनी होकर परमात्मा के दरबार में निर्भय होकर जाएगा, परमात्मा सीने से लगाएगा, उस भक्त को मोक्ष देकर सदा सुखी कर देगा। यदि धनी राज्य पद प्राप्त सुखी व्यक्ति भी भक्ति पर लग जाए तो उसका तो कार्य बना बनाया है, मोक्ष में कोई अड़चन नहीं है। एक प्रश्न। एक सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं कोई नशा नहीं करता, सब बुराइयों से दूर हूँ, दूसरे की बहन बेटियों को अपनी समझता हूँ, कोई पाप नहीं करता, मुझे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्संग में ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष जाते देखे हैं जो प्रत्येक बुराई करते थे, बदनाम थे। इसका उत्तर, जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ को बहाकर सवार रखा है, यानी उसके झाड़ बोझड़े घास काट कर हल या ट्रैक्टर से बाह करके साफ सुथरा कर रखा है और बीज बोया नहीं। दूसरे एकड़ जमीन में सब खरपतवार झाड़ भोजड़े तथा घास अड़ा खड़ा है, तो दोनों ही व्यर्थ हैं। यदि दूसरे एकड़ को किसी ने सवार कर साफ करके गेहूं बो दिया और पहले साफ किए में कुछ नहीं बोया, तो दूसरा उस पहले वाले से कई गुना उपयोगी है जिसको संवार कर छोड़ दिया गया और बीज बोया नहीं। इसलिए यदि आप विकार बुराई रहित हैं, तो आप जी को भक्ति बीज बोना पड़ेगा, तभी आप जी के शरीर रूपी जमीन का लाभ होगा। जो बुराई करते थे उनको ज्ञान हुआ और बुराई त्याग कर भक्ति करते हैं, तो उन्होंने अपने जीने की राह बदल ली, साफ कर ली, मंजिल निकट हो गई। आप आगे पढ़ेंगे कि एक वैश्या ने कबीर परमात्मा जी का सत्संग सुना और अपनी राह बदल ली तथा नाम दीक्षा लेकर सत्संग में जाने लगी। नगर के लोगों को अच्छा नहीं लगा, मुंह जोड़कर बातें बनाने लगे कि कबीर के सत्संग में बदनाम औरतें जाती हैं, ये अच्छे संत नहीं हैं, सब ऐसे ही लोग लुगाई इसके सत्संग में जाते हैं, अपनी बहन बेटियों को वहां मत जाने देना। ये विचार लोगों के सुनकर कुछ भक्त भी गुरुजी से गांव वालों की भाषा बोलने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने बताया, कुश्ती हो संत बंदगी कीजिए, जे हो वैश्या को प्रभु विश्वास चरण चित्त दीजिए। भावार्थ, यदि किसी भक्त को कुष्ठ रोग है और वह भक्ति करने लगा है, तो भक्त समाज को चाहिए कि उससे घृणा ना करे, उसको प्रणाम करे जैसे अन्य भक्तों को करते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वैश्या बेटी बहन को प्रेरणा बनी है भक्ति करने की, सत्संग में आने की, तो उसको परमात्मा पर विश्वास हुआ है, वह सत्संग विचार सुनेगी तो बुराई भी छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज से बुराई निकल जाएगी। यदि वह सत्संग में आएगी ही नहीं तो उसको अपने पाप कर्मों का एहसास कैसे होगा? जैसे मैला वस्त्र जल तथा साबुन के संपर्क में नहीं आएगा तो निर्मल कैसे होगा? इसीलिए ऐसी बदनाम स्त्री भी भक्ति करती है तो उसको भी विशेष आदर से बुलाएं, ताकि उसको सत्संग में आने में संकोच ना हो। यदि उसको रोकोगे तो आप पाप के भागी बन जाओगे। इससे आगे की कथा में आप इसी पुस्तक जीने की राह में पृष्ठ नंबर 107 पर पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग है कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 में भी यही प्रमाण है। लिखा है कि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी है, यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है तो उसे महात्मा के तुल्य मानना चाहिए, वह संतों के विचार सुनकर सुधर जाएगा
और अपना कल्याण करवा लेगा। इसलिए मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म, दान धर्म गुरु जी की शरण में आकर अवश्य करने चाहिए। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। भावार्थ, कबीर परमात्मा जी ने समझाया है कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, यह मानव जन्म स्त्री पुरुष बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है, ये बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा यह शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुनः नहीं लगता, इसीलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ ना गवा। कबीर जी ने फिर कहा, मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। भावार्थ, मानव जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो वह जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है, यदि उसमें जल ही नहीं है या जल है तो खारा यानी पीने योग्य नहीं है। उसका भी नाम भले ही कुआं है परंतु गुण कुएं वाले नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं है। पूर्व जन्मों में किए शुभ अशुभ कर्मों तथा भक्ति के कारण कोई स्वस्थ है, वह अचानक रोगी हो जाता है और लाखों रुपए उपचार पर खर्च करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म से रोगी होता है, आजीवन कष्ट भोग कर मर जाता है। कोई निर्धन होता है, कोई धनवान ही जन्मता है। किसी के लड़के लड़की होते हैं तो किसी को संतान प्राप्त ही नहीं होती, किसी को पुत्री पुत्री ही संतान होती है, चाहने पर भी पुत्र नहीं होता। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानव भोगता है। जब तक पुनः भक्ति प्रारंभ नहीं करता तब तक पूर्व वाले संस्कार ही प्राणी को प्राप्त होते हैं। जिस समय पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा से भक्ति करने लगता है तो शुभ संस्कारों में वृद्धि होने से दुख का वक्त सुख में बदलने लग जाता है। मानव जीवन की आम धारणा, जब तक यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो जन साधारण की धारणा होती है कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने निर्वाह की खोज करके विवाह कराकर परिवार पोषण करेंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा तक पढ़ाएंगे, फिर उनको रोजगार मिल जाए उनका विवाह करेंगे, परमात्मा संतान को संतान दे, फिर हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कई बार गांव या गवांड यानी पड़ोसी गांव के वृद्ध इकट्ठे होते तो आपस में कुशल मंगल जानते तो एक ने कहा कि परमात्मा की कृपा से दो लड़के तथा दो लड़की हैं, कठिन परिश्रम करके पाला पोसा तथा पढ़ाया, विवाह कर दिया, सब के सब बेटा बेटियों वाले हैं, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, 75 वर्ष का हो गया हूँ, अब बेशक मौत हो जाए, मेरा जीवन सफल हुआ, वंश बेल चल पड़ी, संसार में नाम रहेगा। इसका विवेचन, उपरोक्त प्रसंग में जो भी प्राप्त हुआ वह पूर्व निर्धारित संस्कार ही प्राप्त हुआ, नया कुछ नहीं मिला। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, संतान रूप में बेटी हुई। मानव समाज की धारणा रही है कि पुत्र नहीं है तो उसका वंश नहीं चलता, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता। आशा लगी कि दूसरा पुत्र तो बेटा होगा मगर दूसरी भी लड़की हुई, फिर आशा लगी कि परमात्मा तीसरा तो पुत्र दे परंतु तीसरी भी लड़की हुई। इस प्रकार कुल 5 बेटियां हुई, पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न तो मानव का चाहा हुआ और न ही किया हुआ, जो कुछ हुआ संस्कार वश ही हुआ, यह परमेश्वर का विधान है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को वर्तमान जन्म में पूर्ण संत से दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए तथा पुण्य दान धर्म तथा शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए, अन्यथा पूर्व जन्म के पुण्य मानव जीवन में खा खर्च कर खाली होकर परमात्मा के दरबार में जाएगा, फिर पशु आदि के जीवन भोगने पड़ेंगे। जैसे किसान अपने खेत में गेहूं चना आदि बीजता है, फिर परिश्रम करके उन्हें परिपक्व करके घर लाकर अपने कोठे या कक्ष में भर लेता है,
यदि वह पुनः बीज बोकर फसल तैयार नहीं करता है और पूर्व के वर्ष के गेहूं व चने को खा खर्च रहा है, तो वर्तमान में तो उसे कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पूर्व वर्ष के गेहूं चना शेष हैं। परंतु एक दिन वह पूर्व वाला संग्रह किया अन्न समाप्त हो जाएगा और वह किसान परिवार भिखारी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में जो भी प्राप्त हो रहा है वह पूर्व के जन्मों का संग्रह है। यदि वर्तमान में शुभ कर्म तथा भक्ति नहीं की तो भविष्य का जीवन नरक हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान होने के पश्चात मानव बुद्धिमान किसान की तरह प्रतिवर्ष प्रत्येक मौसम में दान धर्म स्मरण रूपी फसल बोएगा तथा अपने घर में संग्रह करके खाएगा तथा बेचकर अपना खर्च भी चलाएगा, यानी पूर्ण गुरुजी से दीक्षा लेकर उनके बताए अनुसार साधना तथा दान धर्म प्रति समागम में करके भक्ति धन को संग्रह करेगा। इसीलिए परम संत मानव को जीने की राह बताता है। उसका आधार सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सर्व ग्रंथों से प्रमाणित होता है। जैसा कि पूर्वोक्त प्रसंग में एक वृद्ध ने बताया कि सर्व संतान का पाल पोस कर विवाह कर दिया, मेरे मानव जीवन का कार्य पूरा हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ, अब बेशक मौत आ जाए। विचारणीय विषय है कि उसने तो पूर्व का जमा ही खर्च कर दिया, भविष्य के लिए कुछ नहीं किया, जिस कारण से उस व्यक्ति का मानव जीवन व्यर्थ गया। कबीर जी ने कहा है, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवाना बाती। भावार्थ, यदि एक मनुष्य एक पुत्र से वंश बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी भूल है। जैसे श्रीलंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख पौत्र थे, वर्तमान में उसके कुल में कोई घर में दीपक जलाने वाला भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से ये क्या मांगता है जो स्थाई ही नहीं है। यह अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण प्रेरणा बनी है। परमात्मा आपको आपका संस्कार देता है, आपका किया कुछ नहीं हो रहा। उस वृद्ध की बात को माने कि पुत्र के होने से वंश वृद्धि होने से संसार में नाम बना रहता है। एक गांव में प्रारंभ में 4 या 5 व्यक्ति थे, उनके वंश के सैकड़ों परिवार बने हैं, उनका वंश चल रहा है, उनका संसार में नाम भी चल रहा है। परंतु शास्त्रोक्त विधि से भक्ति न करने के कारण परमात्मा के विधानानुसार वह भला पुरुष कहीं गधा बनकर कष्ट उठा रहा होगा, वहाँ पर गधे के वंश की वृद्धि करके फिर कुत्ते का जन्म प्राप्त करके वहाँ उस कुल की वृद्धि करके अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त करके असंख्यों जन्म कष्ट उठाएगा। भावार्थ है कि मानव जीवन प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सांसारिक कर्तव्य कर्म करते करते आत्म कल्याण का कार्य भी करे, जिस कारण से परिवार से आने वाली पूर्व पाप की मार भी टलेगी, परिवार खुशहाल रहेगा। अन्यथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों का फल भोगने से कभी सुख तथा कभी दुख का कहर भी झेलना पड़ता है। एक समय दास यानी लेखक एक गांव में 3 दिन का सत्संग पाठ कर रहा था। उसी परिवार का एक रिश्तेदार एक 4 वर्ष के लड़के को साथ लिए आया। चर्चा में उसने बताया कि मुझे 4 पुत्र 2 पुत्री संतान रूप में प्राप्त हुई, सबका विवाह कर दिया, मेरे जैसा सुखी हमारे गांव में शायद ही कोई था। फिर ऐसी नौबत आई कि 2 वर्ष में घर उजड़ गया, 2 बेटे मोटरसाइकिल पर ससुराल जा रहे थे दुर्घटना में भगवान के घर चले गए, उनकी पत्नी भी अन्य गांव में विवाह कर दी। 1 वर्ष पश्चात एक पुत्र को खेत में ट्यूबवेल पर रात्रि में सर्प ने डस लिया, मृत मिला। 4था इस दुख से हृदयघात से चल बसा, सब बहुएं भी चली गई, पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यह लड़का बड़ी लड़की का है जिसके सहारे दिन काट रहा हूँ, बेटी को घर पर रखा है। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि विवेक से काम ले और मानव जीवन की सच्ची राह पकड़े, भक्ति अवश्य करें। संतान होना या ना होना ये आपके पूर्व के कर्मों का फल है। यदि संतान को धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है तो वह चाहे कितनी ही नेक हो कभी ना कभी गलती कर ही देगी, वह सब पाप कर्मों के कारण होगा।
एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा ससुर 4 एकड़ का जाट किसान था। उसने दिन रात मेहनत करके कुल 16 एकड़ जमीन खरीद कर बना ली, यानी 12 एकड़ जमीन और मोल ले ली। 4 लड़के थे और एक लड़की थी, सबकी शादी कर दी। 60 वर्ष की आयु में मेरे ससुर जी को अधरंग मार गया। चारों लड़के भिन्न रहते थे। कुछ दिन बड़े बेटे में रहा, परंतु 6 महीने में ही कपड़ों में बदबू आने लगी। फिर तीसरे नंबर वाले के घर में रहा। कुछ दिन बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इसी प्रकार चारों पुत्र सेवा से तंग आ गए। गांव की पंचायत ने मेरे ससुर जी की सेवा कराने के उद्देश्य से 2 एकड़ जमीन उसको अधिक देने का फैसला किया, जो बेटा अपने पिता की सेवा करेगा। इस लालच में छोटे वाले ने सेवा करने की बात मान ली। 6 महीने में उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सब बच्चों को सभी प्रकार से समझाया, परंतु कोई सेवा को तैयार नहीं हुआ। वह भक्त बता रहा था कि मेरा ससुर बोल भी नहीं पा रहा था। जब छोटा पोता सामने आया तो गर्दन के संकेत से कह रहा था कि आजा मेरे पास, लाड करूंगा। यह भूल पड़ी है, बेटों ने तो कर दी मौज, पोतों की कसर बाकी है। उन 2 एकड़ को ठेके पर देकर उसके लिए एक नौकर रखा, दुर्गति से मरा। विचार करें कि ऐसे कमेरे व्यक्ति को ये भी ज्ञान होता कि भक्ति तथा धर्म के बिना मानव जीवन नरक बन जाता है, तो वह उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी करता तथा ऐसी दशा को प्राप्त नहीं होता। बच्चे भी सेवा करते। सत्संग में यही शिक्षा दी जाती है। श्रद्धालुओं को दया धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। आश्रम में सत्संग के दौरान वृद्ध, रोगी, अपंग, छोटे बच्चों सहित माताएं, बहनें, बेटियां आती हैं। आश्रम में पुराने भक्तों तथा भक्तमतियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वे आने वाले वृद्धों, रोगियों तथा अन्य असहायों की सेवा करते हैं। उनको स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं, भोजनालय से भोजन प्रसाद लाकर पंडाल में बैठों को खिलाते हैं। चाय दूध भी वहीं बैठों को लाकर देते हैं। विचार करें कि जो बच्चे सत्संग में जाने वाले तथा बेटी, बहने, माई व भक्त भाई सत्संग में आने वाले गैरों की सेवा करते हैं, तो वे घर पर अपने माता पिता, भाई बहन, सास ससुर की भी उसी भाव से सेवा करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव बन जाता है। उनके दिलों में दया भरी रहती है। उनको परमात्मा का विधान अच्छी तरह याद होता है। जैसा कि पूर्व में प्रसंग है कि एक कमेरे किसान को अधरंग मारना और बच्चों द्वारा अनदेखा करना। यदि वे लड़के तथा बहुए सत्संग में जाते तो वे अपने पिता की बहुत सेवा करते। यदि वह किसान परमात्मा की भक्ति करता तो उसका शरीर स्वस्थ रहता और उसकी भक्ति के कारण भजन के तेज से प्रभावित होकर परिवार अपने आप आदर करता है। उदाहरण के लिए साधु संत भक्ति ही करते हैं, जिस कारण गांव का गांव उनका सेवा सत्कार करता है। इसी प्रकार भक्ति करने से परमात्मा की शक्ति अपने आप अन्य को प्रेरित करके भक्त के अनुकूल परिस्थिति बना देती है। इसीलिए भक्ति करने की प्रेरणा संतजन देते हैं। सत्संग से जीने की राह अच्छी बनती है। कबीर परमेश्वर ने फिर बताया है, काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, भक्ति कर दिल पाक से, जीवन है दिन दोए, बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहां ठोर है, ये नर ना ही पाषाण। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि हे भोले मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना गुरु से दीक्षा लिए किस आशा को लेकर जीवित है। न तो शरीर तेरा है, ये भी त्याग कर जाएगा, फिर संपत्ति आपकी कैसे है। जिनको यह विवेक नहीं है कि भक्ति बिना जीव का कहीं भी ठिकाना नहीं है, तो वे नर यानी मानव नहीं है, वे तो पत्थर हैं। उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे हैं। कबीर जी ने फिर कहा है कि बेगार की परिभाषा, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। भावार्थ, पुराने समय में पुलिस थानों में जीप, कार आदि गाड़ियां नहीं होती थी।
जब पुलिस वालों को कहीं छापा मारनी होती थी तो किसी प्राइवेट थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर वालों को जबरदस्ती पकड़ लेते और उसके व्हीकल में बैठकर जहां जाना होता ले जाते। ड्राइवर भी थ्री व्हीलर वाला होता था तथा पेट्रोल डीजल भी वही अपनी जेब से डलवाता था। उस दिन की दिहाड़ी भी नहीं कर पाता था। पुलिस वाले उसको सारा दिन इधर उधर घुमाते रहते थे। आम व्यक्ति तो ये विचार करता था कि ये थ्री व्हीलर वाला आज तो बहुत ज्यादा कमाई करेगा, सारा दिन चला है, परंतु उसका मन ही जानता था उस दिन उसके साथ क्या बीती होती थी। ऐसे ही राजा लोग इस जन्म में भक्ति ना करके केवल राज्य व्यवस्था को बनाए रखने में जीवन समाप्त कर रहे हैं तो वे बेगार करके जाते हैं। पूर्व जन्म के धर्म कर्म से राजा बनता है, वर्तमान जन्म में उसी पुण्य को खर्च खा रहा होता है। जनता को तो लगता है कि राजा बड़ी मौज कर रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह बेगार कर रहा है, भक्ति कमाई नहीं कर रहा है। यदि व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं करता है तो उसको चाहे उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी वह थ्री व्हीलर वाले की तरह व्यर्थ की मारो मार यानी गहमा गहमी कर रहा है, उसे कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए राजा हो या प्रजा, धनी हो या निर्धन, सबको नए सिरे से भक्ति करनी चाहिए, उसी से उनका भविष्य उज्जवल होगा। परमात्मा कबीर जी ने अपने शिष्य संत गरीब दास जी को तत्व ज्ञान समझाया जो इस प्रकार है। राग आसावरी, शब्द नंबर एक। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रतनागर। कोटि जन्म तो है मरता होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर भया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिल्या न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुरकू जाकर बहुर अपूठा आया। असंख्य जन्म तो है मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दो जख बहिस्त सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तृप्त नाही, यह मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। सूक्ष्म वेद की वाणी का भावार्थ। आत्मा और मन को पात्र बनाकर संत गरीब दास जी ने संसार के मानव को समझाया है। कहा है कि यह संसार दुखों का घर है, इससे भिन्न एक और संसार है जहाँ कोई दुख नहीं है। वह स्थान यानी सनातन परम धाम सत्यलोक है तथा वहाँ का प्रभु अविनाशी परमेश्वर सुखों का सागर है। सुख सागर अर्थात अमर परमात्मा तथा उसकी राजधानी अमर लोक की संक्षिप्त परिभाषा बताई है। शंखो लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। भावार्थ। जिस समय मैं यानी लेखक अकेला होता हूँ तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है, उस समय सब अपने से लगते हैं। चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। ये स्थिति कुछ मिनट ही रहती है, उसको मेहर की लहर कहा है। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है, वहाँ पर ऐसी असंख्यों लहरें आत्मा में उठती रहती हैं। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वहीं दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा? वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, यह हो गया, वो हो गया। यह कहर की लहर यानी दुख की लहर कही जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर की उठती है यानी दया की उठती है। वहां कोई कहर नहीं है, वैसे तो सतलोक में कोई दुख नहीं है। कहर का अर्थ भयंकर कष्ट होता है,
जैसे एक गांव में आपसी रंजिश के चलते विरोधियों ने दूसरे पक्ष के एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। कहीं पर भूकंप के कारण हजारों व्यक्ति मर जाते हैं, उसे कहते हैं कहर टूट पड़ा या कहर कर दिया। ऊपर लिखी वाणी में सुख सागर की परिभाषा संक्षिप्त में बताई है। कहा है कि वह अमर लोक अचल अविनाशी अर्थात कभी चलायमान अर्थात ध्वंस नहीं होता, तथा वहां रहने वाला परमेश्वर अविनाशी है। वह स्थान तथा परमेश्वर सुख का समुद्र है। जैसे समुद्री जहाज बंदरगाह के किनारे से 100 या 200 किलोमीटर दूर चला जाता है, तो जहाज की यात्रियों को जल अर्थात समुद्र के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब ओर जल ही जल नजर आता है। इसी प्रकार सतलोक में सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अर्थात वहाँ कोई दुख नहीं है। अब पूर्व में लिखी वाणी का सरलार्थ किया जाता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तो है भ्रमत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खर भया बोरे, कौवा हंस बुगारे। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अच्छी आत्मा संत गरीब दास जी को सूक्ष्म वेद समझाया। उसको संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत ने आत्मा तथा मन को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल ब्रह्म के लोक का कष्ट तथा सतलोक का सुख बताकर उस परम धाम में चलने के लिए सत्य साधना जो शास्त्रोक्त है करने की प्रेरणा की है। मन तू चल रे सुख के सागर अर्थात सनातन परम धाम में चल, जहां पर शब्द नष्ट नहीं होता। इसलिए शब्द का अर्थ अविनाशीपन से है कि वह स्थान अमृत्व का सिंधु अर्थात सागर है और मोक्ष रूपी रत्न का आगर अर्थात खान है। इस काल ब्रह्म के लोक में आप जी ने भक्ति भी की, परंतु शास्त्रानुकूल साधना बताने वाले तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण आप करोड़ों जन्मों से भटक रहे हो, करोड़ों अरबों रुपए संग्रह करने में पूरा जीवन लगा देते हो, फिर मृत्यु हो जाती है। वह जोड़ा हुआ धन जो आपके पूर्व के संस्कारों से प्राप्त हुआ था, उसे छोड़कर संसार से चला गया। उस धन के संग्रह करने में जो पाप किए वे आप जी के साथ गए। आप जी ने उस मानव जीवन में तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की साधना नहीं की, जिस कारण से आपको कुछ हाथ नहीं आया। पूर्व के पुण्यों के बदले धन ले लिया, वह धन यही रह गया, आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको मिले धन संग्रह तथा भक्ति शास्त्रानुकूल न करने के पाप, जिनके कारण आप कुकर यानी कुत्ता, खर यानी गधा, सुकर यानी सुअर, कौवा यानी कि एक पक्षी, हंस एक पक्षी जो केवल सरोवर में मोती खाता है, बुगा बुगला पक्षी आदि आदि की योनियों को प्राप्त करके कष्ट उठाया। कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिटी ना मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिलान निर्गुण रासा। सरलार्थ, हे मानव, आप जी ने काल ब्रह्म की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर गांव व नगर में घर घर के द्वार पर हांड्या अर्थात घूमा, भिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधना रत साधक निकट के गाँव या शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी तो साधक एक दिन भिक्षा मांग कर लाते हैं, उसी से 2-3 दिन निर्वाह करते हैं। रोटियों को पतले कपड़े रूमाल जैसे कपड़े को छालना कहते हैं, छालने में लपेट कर वृक्ष की टहनियों से बांध देते थे। वे रोटियां सूख जाती हैं, उनको पानी में भिगो कर नर्म करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो समय व्यर्थ होता था उसकी बचत करके समय को काल ब्रह्म की साधना में लगाते थे। भावार्थ है कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विधि तथा लोक वेद से घोर तप करते थे। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण निर्गुण रासा अर्थात गुप्त ज्ञान जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं वह नहीं मिला, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में तथा चारों वेदों का सारांश रूप श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में कहा है कि जो यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म
अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है वह तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि तत्व ज्ञान न वेदों में है और न ही गीता शास्त्र में। यदि होता तो एक अध्याय और बोल देता, कह देता कि तत्व ज्ञान उस अध्याय में पढ़े। संत गरीब दास जी ने मन के बहाने मानव शरीरधारी प्राणियों को समझाया है कि वह निर्गुण रासा अर्थात तत्व ज्ञान न मिलने के कारण काल ब्रह्म की साधना करके आप करोड़ों जन्मों में राजा बने, फिर भी मन की इच्छा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राजा सोचता है कि स्वर्ग में सुख है, यहाँ राज में कोई सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। निर्गुण रासा का भावार्थ, निर्गुण का अर्थ है कि वह वस्तु तो है परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा। वृक्ष के बीज में फल तथा वृक्ष निर्गुण रूप में है, उस बीज को मिट्टी में बीज कर सिंचाई करके वह सरगुण वस्तु वृक्ष वृक्ष को फल प्राप्त की जाती है। यह ज्ञान न होने से आम के फल व छाया से वंचित रह जाते हैं। रासा अर्थात झंझट अर्थात उलझा हुआ कार्य। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, नौ मन यानी 360 किलोग्राम सूत यानी कच्चा धागा, कबीर नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। सरलार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी नौमन सूत उलझा हुआ है। एक किलोग्राम उलझे हुए सूत को सीधा करने में एक दिन से भी अधिक जुलाहों का लग जाता था। यदि सुलझाते समय धागा टूट जाता तो कपड़े में गांठ लग जाती, गांठ गठीले कपड़े को कोई मोल नहीं लेता था। इसलिए परमेश्वर कबीर जुलाहे ने जुलाहों का सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक उलझे हुए सूत को कोई नहीं सुलझाता था। अध्यात्म ज्ञान उसी नौ मन उलझे हुए सूत के समान है जिसको सदगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा जो पुनः नहीं उलझेगा। बिना सुलझे अध्यात्म ज्ञान के आधार से अर्थात लोक वेद के अनुसार साधना करके स्वर्ग नरक 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन, पृथ्वी पर किसी टुकड़े का राज्य, स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया, पुनः फिर जन्म मरण के चक्र में गिरकर कष्ट पर कष्ट उठाया, परंतु काल ब्रह्म की वेदों में वर्णित विधि के अनुसार साधना करने से वह परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हुआ जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, और न ही परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त हुआ जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, काल ब्रह्म की साधना से निम्न लाभ होता रहता है। वाणी नंबर 3, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णु नाथ के पुरकू जाकर बहुर अपूठा आया। सरलार्थ, काल ब्रह्म की साधना करके साधक इंद्र का भी पद प्राप्त कर सकता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है, इसको देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सुरपति भी कहते हैं। यह सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। एक प्रश्न, इंद्र की पदवी कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, अधिक तप करने से तथा 100 मन घी का प्रयोग करके धर्म यज्ञ करने से एक धर्म यज्ञ संपन्न होती है। ऐसी ऐसी 100 धर्म यज्ञ निर्विघ्न करने से इंद्र की पदवी साधक प्राप्त करता है। तप या यज्ञ के दौरान यज्ञ या तप की मर्यादा भंग हो जाती है तो नए सिरे से यज्ञ या तप करना पड़ता है। इस प्रकार इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। एक और प्रश्न, इंद्र का शासन काल कितना है? मृत्यु उपरांत इंद्र के पद को छोड़कर प्राणी किस योनि को प्राप्त करता है? उत्तर, इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तक बना रहता है। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग का समय होता है जो 17,28,000 प्लस 12,96,000 प्लस 8,64,000 प्लस
4,32,000, क्रमशः सतयुग प्लस त्रेता युग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग का समय अर्थात 43,20,000 वर्ष का समय एक चतुर्युग में होता है। ऐसे बने 72 चतुर्युग तक वह साधक इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा का सुख भोगता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी के जो 1,008 चतुर्युग का होता है, 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना किया पुण्य कर्म भोगते हैं। इंद्र के पद को भोग कर वे प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। एक कथा, मार्कंडेय ऋषि तथा अप्सरा का संवाद। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था। इंद्र के पद पर विराजमान आत्मा को ये शर्त होती है कि यदि उसके शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसीलिए जहां तक संभव होता है इंद्र अपने शासन काल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी यानी के इंद्र की पत्नी भेजी। सर्व श्रृंगार करके देवपरी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निर्वस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी मेरे रूप को देखकर इस आरण्य खंड यानी वन खंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। न जाने आपकी समाधि कहाँ थी। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहां पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतनी सुंदर हैं कि तेरे जैसी तो उनकी सात सात बांदियां अर्थात नौकरानियां हैं। इसीलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपरि ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूँ, मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी। उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 72 चतुर्युग का शासन काल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्याधिक पुण्य किए थे जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे तब तू क्या करेगी। उर्वशी ने कहा कि फिर मैं मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक को मनुष्य लोक अर्थात मतर्य लोक कहते हैं, मैं गधी बन जाऊंगी और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले, फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी। उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार कर आई है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि गधियों की कैसी इज्जत, तू वर्तमान में भी गधी है क्योंकि तू 14 खसम करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार रही है कि मैं गधी बनूंगी, गधी की कैसी इज्जत। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया विधानानुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए। कहा कि ऋषि जी हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, अरे अरे इंद्र, इंद्र की पदवी मेरे किसी काम की नहीं, मेरे लिए तो काग यानी कौवे की बीट के समान है। मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा, इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। पाठक जनों विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहता।
कहा कि फिर कभी देखूंगा। फिर कब देखेगा? गधा बनने के पश्चात तो कुम्हार देखेगा कि कितना वजन गधे की कमर पर रखना है और कहां से डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बना है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है, या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो, नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम क्यों बनेंगे गधे, फिर से मत कहना। कुछ सभ्य होते हैं, वे कहते हैं कि किसने देखा है गधे बनते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे, फिर तो कुम्हार देखेगा कि आप जी के साथ कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देख, बुराई छोड़कर शास्त्रानुकूल साधना करो, जो वर्तमान में विश्व में केवल मेरे रामपाल दास के पास है। आओ ग्रहण करो और अपने जीव का कल्याण कराओ। ऊपर लिखी वाणी नंबर 3 में बताया है कि इंद्र कुबेर तथा ईश की पदवी प्राप्त करने वाले तथा ब्रह्मा जी का पद तथा वरुण धर्मराय का पद प्राप्त करके तथा विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर देव पद प्राप्त भी वापस जन्म मरण के चक्र में रहता है। स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देव पद हैं। जैसे भारत वर्ष की संसद में 540 सांसदों के पद हैं, व्यक्ति बदलते रहते हैं, उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि आदि बनते हैं। इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है, जैसे वित्त मंत्री होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो लोक वेद में कुल 3 माने गए हैं, 1 श्री ब्रह्मा जी, 2 श्री विष्णु जी तथा 3 श्री शिव जी। वरुण देव जल का देवता है। धर्मराय मुख्य न्यायाधीश है, जो सब जीवों को कर्मों का फल देता है, उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सर्व काल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं। पुण्य श्रीण यानी समाप्त होने के पश्चात सर्व देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं। ये सर्व उपरोक्त देवता जन्मते मरते हैं, ये अविनाशी नहीं है। इनकी स्थिति आप जी को सृष्टि रचना अध्याय में इसी पुस्तक में स्पष्ट होगी कि ये कितने प्रभु हैं, किसके पुत्र हैं तथा कौन इनकी माता जी हैं। अन्य प्रमाण श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3rd स्कंद में पृष्ठ 123 पर लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपया से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। आप प्रकृति देवी हैं। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, यदि ब्रह्मा के पश्चात उत्पन्न होने वाले विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा है हम वही प्रदान कर सकते हैं, न अत्यधिक कर सकते न कम कर सकते। पाठक जनों, इस श्री देवी पुराण के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी नाशवान हैं। इनकी माता जी का नाम श्री देवी दुर्गा है। अधिक जानकारी आप सृष्टि रचना अध्याय से ग्रहण करेंगे, जो इसी पुस्तक में पीछे पृष्ठ 254 पर लिखी है। ये प्रधान देवता है। अन्य इनसे निम्न स्तर के देव हैं। ये सर्व जन्मते मरते हैं। अविनाशी राम नहीं है, अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते और ना महर्षि जन जानते, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं ही हूँ, अर्थात ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी स्पष्ट है कि तू, मैं तथा सब राजा सेना पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे।
गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने शरीरधारी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, महत प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। अहम ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। गीता अध्याय 14 श्लोक 5 गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सत्व गुण श्री विष्णु जी, रज गुण श्री ब्रह्मा जी तथा तम गुण श्री शिव जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों देवता अर्थात तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को कर्मों के अनुसार शरीर में बांधते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त देवता नाशवान है तथा काल ब्रह्म की संतान है। प्रसंग चल रहा है कि वाणी संख्या 3 का सरलार्थ, इंद्र कुबेर ईश अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव तक की पदवी प्राप्त करके तथा वरुण धर्म राय की पदवी तथा श्री विष्णुनाथ के लोक को प्राप्त करके भी जन्म मरण के चक्र में रहते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी ब्रह्म साधना कर रहे थे, उसी को सर्वोत्तम मान रहे थे, इसीलिए इंद्र को कह रहे थे कि आ तेरे को ब्रह्म साधना का ज्ञान कराऊं। ब्रह्म लोक की तुलना में स्वर्ग का राज्य हलवे की तुलना में जैसे कौवे की बीट है। पाठक जनों, आप जी ने ब्रह्म साधना करने वाले श्री चुनक ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि तथा कपिल मुनि जिन्होंने ब्रह्म साधना की थी, उनकी साधना को गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। उसी श्रेणी की साधना मार्कंडेय ऋषि जी की थी जिसको अति उत्तम मान कर रहे थे तथा इंद्र जी को भी राय दे रहे थे कि ब्रह्म साधना कर ले। सूक्ष्म वेद में कहा है कि औरों पंथ बतावही आप न जाने रहा, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन जिसम है फिरा मोतिया बिंदरे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बांचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें भूले सिर जनहारा। वाणी नंबर 1 का भावार्थ, अन्य को मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं भक्ति का मार्ग ज्ञान नहीं। वाणी नंबर 2 का भावार्थ, तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण मोती मुक्ता यानी मोक्ष रूपी मोती अर्थात मोक्ष मंत्र दिखाई नहीं देता। यह सर्व संसार अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। जिस किसी को मोतियाबिंद जो एक प्रकार का नेत्र रोग है जिसमें आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, परंतु उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। यह उदाहरण देकर बताया है कि फर्राटेदार संस्कृत भाषा बोलते हैं, लगते हैं महाविद्वान हैं, परंतु सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानते, इनको अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हुआ है। वाणी नंबर 3 का भावार्थ, वेदों को पढ़कर कंठस्थ करने वाले वेदों के गूढ़ रहस्यों को न समझकर उनके विरुद्ध साधना करते कराते हैं। वेदों में पत्थर की मूर्ति की पूजा का कहीं उल्लेख नहीं है, वे वेदों के विद्वान कहलाने वाले पत्थर पूजा करते तथा कराते हैं। वेदों में वर्णित सृजनहार को भुला दिया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 29 तक यही बताया है कि जो साधक जैसी भी साधना करता है उसे उत्तम मान कर रहा होता है। सर्व साधक अपनी अपनी भक्ति को पाप नाश करने वाली जानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कहा है। वह तत्व ज्ञान है जिसे जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है।